आदर्श छठ सामाजिक संस्था की ओर से 26 जनवरी देश के 75वें गणतंत्र दिवस पर नांदेवली गांव परिसर की जनता के लिए मुफ्त में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर सर्वप्रथम तिरंगे ध्वज को हवा में लहराया गया और देश के झंडे को मानवंदना सलामी दी गई। इसके बाद कल्याणपुरो के शिवसेना प्रमुख महेश गायकवाड़, समाज सेवक आर्यन यादव के शुभकर कमलों से झंडा वंदन किया गया। सभी ने तिरंगे ध्वज को एक साथ एक आवाज में सलामी दी, राष्ट्रगान हुआ। इसके उपरांत मेडिकल कैंप का रिबिन काट कर मुफ्त में लोगों का चेकअप किया गया। महेश गायकवाड़, आर्यन यादव, तोषेश शुक्ला तथा मेडिकल कैंप के आयोजक रामदुलाल यादव, पारसनाथ यादव, सुबल डे सहित अन्य लोग उपस्थित थे। इस समाज उपयोगी कार्यक्रम में अपनी हाजिरी लगाई। इस मौके पर डॉक्टर रविंद्र यादव, डॉक्टर सूर्यका यादव की डॉक्टर की टीम ने लोगों की मुफ्त में जांच पड़ताल कर जरूरतमंदों को औषध उपचार तथा डायबिटीज की मशीन में भेंट की। सबसे पहले तो मैं राम दुलाल जी को धन्यवाद दूंगा कि इस प्रोग्राम के तहत हमारे ऐसे ऐसे विभूतियों से आज हमारी मुलाकात हो गई। बहुत दिन हो गया कल्याण छोड़े हुए, कल्याण में आता रहता हूँ, लेकिन आज का दिन मुझे जो इन लोगों से मुलाकात हुआ उसका श्रेय जाता है राम दुलाल जी को और मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। 26 जनवरी का दिन है, गणतंत्र दिवस 75वां गणतंत्र दिवस है और इस दिवस पर हम सबको ये शपथ लेना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान के तहत हम उस संविधान को सर्वमान्य माने, संविधान को माने, दिल से माने और हम ये जानते हैं, हम ही नहीं, हमारे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विश्व जानता है कि संविधान, बाबा साहब का द्वारा लिखा हुआ संविधान इस देश को बहुत आगे तक लेके जाएगा और लेके जा भी रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि राम दुलार जी इस तरह की जो सामाजिक चाहे आप मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, कुछ बांट रहे हैं, जनता को कुछ दे रहे हैं, किसी रूप में आप कुछ न कुछ दे रहे हैं और इसमें ऐसे सारे लोग सहभागी हैं तो मैं जानता हूँ कि आज के दिन हर आदमी को ये शपथ लेना चाहिए कि हमको देश के लिए जहाँ भी हैं जो हम कर सकते हैं, जो हम दे सकते हैं देश को, वो हमको देने का प्रण आज करना चाहिए। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय भारत। आज 75वां प्रजासत्ताक दिन आणि आजचा दिवस जो आहे स्वातंत्र्य दिवसापेक्षा सारखाच सुनेरा दिवस आहे। आज संविधानाच्या माध्यमातून प्रत्येक महिला पुरुषाला जाती धर्मातल्या घटकांना समानतेचा आणि एकात्मतेचा अधिकार मिळालेला आहे। त्याचप्रमाणे हा देश जगाच्या पातळीवरती भारत देश एक असा आहे, सर्व धर्म समभाव, सर्व धर्मातील जातीतले लोक एकत्र राहतात। या देशासाठी आज सुद्धा बॉर्डरवरती जवान आपल्या जीवाची आहुती देतात। या देशामध्ये या देशामधूनच घडलेला आहे क्रिकेटचा देव सचिन तेंडुलकर, लता मंगेशकर, सानिया मिर्झा, या देशामध्ये मोठे मोठे रत्न आपल्यामध्ये उभारलेले आहेत। या देशासाठी ज्यांनी आहुती केली, चंद्रशेखर आझाद, राजगुरू, भगतसिंग अशा अनेक हुतात्म्यांनी आहुती दिली तेव्हा हा देश स्वतंत्र झाला। आणि आज मला वाटतं खऱ्या अर्थाने ज्याने सर्वांना समावून घेतलेले आहे धर्मजातीला, तिरंगा, त्याला सलाम करतो। ज्यांनी आजच्या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं, राम दुलारेजी, त्यांनी सुबलडेजीला बोलवलं आहे, भाऊला बोलवलं आहे, म्हणजे तुम्ही इकडे जर बघाल तर सर्व जाती धर्मातले लोकांना आगरी, कोळी, उत्तर भारतीय सगळ्या धर्मातल्या लोकांना या ठिकाणी समावून घेतलेलं आहे आणि एकात्मतेचा संदेश देण्याचं काम जर कोणी केलं असेल आज तर राम दुलारेजींनी केलेलं आहे। या आज आपल्याला लोकांना आपल्याला देशासाठी बलिदान देण्याची गरज नाही तर आपल्याला सगळ्याला माणुसकी आपल्या एकमेकाच्या सुखादुःखामध्ये सहभागी होण्याचं काम आहे। आजसुद्धा समाजामध्ये कोणत्या प्रकारचं तेढ होत असेल त्या ठिकाणी तेढ होण्यापासून वाचवण्याचं काम जर कोणामध्ये शक्ती असेल तर आपल्यासारख्या सामान्य माणसांमध्ये।
मला वाटतं येणाऱ्या काळामध्ये ह्या विभागामध्ये जर अशा पद्धतीचे एकत्रित जर आपण एकत्रितपणे प्रत्येक कार्यक्रम आपण जर लोकांच्या हिताचं करत राहिलो तर मला वाटतं इतर समाजातल्या घटकांना आणि इतर विभागातल्या लोकांना आपला आदर्श घेण्याची गरज भासल्याशिवाय राहणार नाही. मी या ठिकाणी परत एकदा सगळ्यांना प्रजासत्ताक दिनानिमित्त शुभेच्छा देतो आणि सगळ्यांचं धन्यवाद देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम. धन्यवाद.